Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, 5th class. How are you? I hope so. You are in good health. Okay. Today, we have to start maths lecture. Unit 4, decimals and percentages. Decimals ka matlab bataya tha maine. Usre ishariya and percentage ka matlab hota hai fisar. Open page number 85-86. Exercise 4C. Question number 13. And 40. Question number 13 is change these percentages into fractions. In percentages ko kisme change karna hai? Fractions mein change karna hai. Mixed number mein change karna hai. Aur what or whole numbers ya mukammal numbers mein change karna hai. Reducing where you can aur aap inko short karna hai. Reduce hote kam karna. Agar aap usko kar sakte hain to. यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे 75% है हमने इसको फ्रैक्शन में भी चेंज करना है मिक्स नंबर में भी चेंज करना है और होल नंबर में भी चेंज करना है लेकिन ये सारे देखनी है कि क्या सारे सडन एक में हो सकते हैं या उनमें से जो भी ऑपरेशन हो सका हमने उसमें उसको चेंज कर दिया है हम सॉल्व करते हैं अभी पता चल जाते हैं 75% है हमने देखते हैं इसको क्या हो सकते हैं जब 75 जो है इसके साथ परसेंटेज यानी परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है हमने इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन में चेंज करना है अब ये अब मैंने बताया था आपको कि सिंबल का जो अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 आ जाता है तो 75 बाय हमारा 100 आ जाएगा और यही आंसर होगा इसलिए यही आंसर होगा क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया ओके इसको मजीद हम लोग बेटा डिवाइड नहीं कर सकते आपने इसको यहीं तक सॉल्व करना है इसलिए कि क्वेश्चन की डिमांड ही दी है कि आप इनको किसी भी ऑपरेशन में जो कि क्वेश्चन में मेंशन है आप उसमें चेंज करें नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 14 चेंज दीज परसेंटेजेस इन परसेंटेज को जो फीसद है इनटू डेसिमल्स नंबर आप इनको डेसिमल नंबर में चेंज करें अभी देखते हैं कैसे चेंज करना है 35% है डेसिमल का मैंने आपको बताया था कि डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में या फ्रैक्शन बार में आंसर को लेकर आना हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट में या फ्रैक्शन बार में आंसर आता है 35% है बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपने उसको सॉल्व करना है 35% जो है सिंबल में है आपने 35/100 लगा दिया ये जो 100 है वो सिंबल के साइन का है ठीक है 35/100 हो गया अब ऊपर स्मॉल डिजिट है नीचे बिग है यानी न्यूमिनेटर 35 है और डिनोमिनेटर 100 है जो कि ज्यादा है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा है हम इसका क्या करेंगे कि 35 जो स्मॉल है हमें इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे अभी देख लेते हैं पहले ऐसे हुआ था कि 100/35 जब होता था तो हम 100 को अंदर करके 35 से डिवाइड करते थे लेकिन बेटा अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने उसको डेसिमल में चेंज करना है तो जब भी आप डेसिमल में क्वेश्चन को सोल्व करें तो स्मॉल वाला डिजिट अंदर डिविडेंड बनेगा अंदर की तरफ आएगा और जो बिग डिजिट है वो हम बाहर की तरफ उसको रखेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे जब पॉइंट लगाया अंदर जीरो बढ़ा दिया तो मैंने 3350 बन गया 103/300 मैंने कर दिया जीरो का जीरो हो गया फाइव से जीरो माइनस करें तो फाइव आता है 50 हो गया अगेन 50 इज 100 से स्मॉल है तो हमने इसको पॉइंट लगा हुआ था जीरो पुट कर दिया मुझे एक जीरो की जरूरत थी मैंने बस एक जीरो लगाया 100 फाइव बार मैंने 500 किया तो हमारा मेरे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0.35 क्वेश्चन है तो 0.35 चूंकि पॉइंट यानी डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी आपने बेटा इसको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने खुद से करना है एज अ होमवर्क आपका है 16 मेरी कोशिश होगी कि आपको करवा दूं लेकिन बेटा 15 आपने खुद करना है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जूम क्लास में भी पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट क्लास में मुलाकात